तो आप कैसे ज्यादा से ज्यादा रेडमी नोट 5 और रेडमी 5A बुक कर सकते हो, 7 से 8, तकरीबन तकरीबन 5 भी हो सकते हैं जैसे मैंने किए थे। और मैंने कैसे किए थे ये सब कुछ आपको मैं आज इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। ये देखिए मेरा रेडमी 5A जो मैंने 8 सेट किए थे एक पिछली सेल में, 2, 3, 4, 5, छः, सात, आठ, 8 रेडमी 5A और 2 रेडमी नोट 5, जिसमें से मेरे आठों के आठों कैंसिल हो गए थे पिछली बार। तो आप ये सभी रेडमी नोट 5A एक साथ फ्लैश सेल में ज्यादा से ज्यादा कैसे बुक कर सकते हो, इसका ट्रिक क्या है, तो चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ आज। तो भैया ट्रिक तो कुछ नहीं है, आज है 12 बजे सेल, तो 12 बजे सेल शुरू होगी रेडमी 5A की। आपको करना क्या है, 12 बजे जितने में 1-2 मिनट तक रहेगी उसके बाद खत्म हो जाएगी। उसके बाद भी आपको फ्लिपकार्ट पे रिफ्रेश करते रहना पेज को, क्योंकि बाद में भी एक्टिव हो जाता है कई बार, बाई नाउ सेल बाद में भी आ जाती है। कहने का मतलब ये है कि मैंने एक दिन जो पिछली नेक्स्ट सेल थी, मैंने 1:30 बजे अपना फ्लिपकार्ट ओपन किया, वैसे ही ओपन किया मैंने जनरली, और रेडमी 5A देखना चाहा, तो मैंने देखा तो उस पे बाई नाउ का ऑप्शन आ रहा था। बस तभी मैंने 3 ऑर्डर उसी टाइम कर लिए, फिर आउट ऑफ स्टॉक हो गया, और 5 से 10 मिनट के बाद फिर बाई नाउ का लिंक आ गया, मतलब सेल फिर एक्टिव होगी। तो ये होता क्यों है, क्योंकि फ्लैश सेल में ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर सेट नहीं होते, और जो बच जाते हैं उनको वो भी बेचने ही होते हैं, वो भी सेल करने ही होते हैं, तो उसके लिए भी दोबारा सेल ले आते हैं बाद में 5 से 10 मिनट के बाद, ताकि जितना उनका टारगेट है, जितने फोन है, वो तो उतनी तो ऑर्डर हो ही जाए, क्योंकि फ्लैश सेल में कई बार जितने उन्होंने फोन सेल करने होते हैं उतने ऑर्डर नहीं हो पाते, इसलिए वो बाद में भी बाय नाउ का सेल बार बार एक्टिव होती रहती है। और इसलिए आप बाद में भी चेक करते रहिए, 1 से 2 घंटा आपको टाइम तो देना पड़ेगा और रिफ्रेश करते रहना होगा पेज को, तभी आप ये चेक करते करते ही ज्यादा से ज्यादा फोन ऑर्डर कर सकते हैं। यही एक वो रीजन है, अगर आप 2-3 फोन लेके बैठते हैं तो पता नहीं कितने ज्यादा ही हो जाएंगे आपके। तो यही एक वो है कि अगर आप फ्लैश सेल में ज्यादा से ज्यादा इनके ऑर्डर नहीं होते तो ये बाद में भी सेल को एक्टिव कर देते हैं, क्योंकि इनको अपना टारगेट तो पूरा कंप्लीट करना ही होता है, तो इसी रीजन से ये सेल बार बार एक्टिव होती रहती है। एक बार टारगेट कंप्लीट हुआ तो उसके बाद सेल नहीं आएगी, इसलिए आपको फ्लैश सेल में 12 बजे के बाद 1 से 2 घंटे तक बैठे रहना फ्लिपकार्ट पे और चेक करते रहना है, अगर आपके पास टाइम है तो, तभी आप ज्यादा रेडमी 5A बुक कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर भी कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी नई नई वीडियो सबसे पहले यहीं देखने को आपको मिलेंगी। और बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, क्योंकि ऐसी नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आप तक पहुंच पाएंगे।